केंद्रीय बजट जल्द आने वाला है। बजट से उद्योगों को अपनी अपनी उम्मीदें और मांग है। उदयपुर की मार्बल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि बजट में एक बार फिर मेक इन इंडिया पर फोकस रहेगा, इसका सीधा फायदा उद्योग को होगा। वे चाहते हैं कि लोकल संगमरमर पर जीएसटी कम की जाए और इम्पोर्ट किए गए पत्थरों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाए। वे लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं। हमारे मार्बल के ऊपर जो इम्पोर्ट टैक्स लगा रखा है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वजह से क्या होता है कि हर एक आदमी ओवर बिलिंग अंडर बिलिंग वाला चक्कर रहता है, तो उसकी वजह से उसको खत्म करने के लिए मिनिमम टैक्स या 8-12% कर दिया जाए, तो क्या है कि हर एक आदमी को जाएगा तो वो कम से कम टैक्स पे जाएगा, सब सबका हिसाब से उसका टैक्स कम होगा, और इम्पोर्टेड माल का जो आता है बाहर से आ रहा है माल उसका है रेट है भी रखो ताकि लोकल इंडस्ट्री प्रमोट होती रहे। हम चाहते हैं कि इंडियन स्टोन के ऊपर टैक्स कम हो और जो इम्पोर्टेड स्टोन आ रहा है उसके ऊपर टैक्स बढ़े ताकि इंडियन स्टोन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके हमारा। दूसरी, जहाँ पे भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ले रही है, परमिशन दे रही है, उसमें इंडियन स्टोन की वैल्यूएबल यूज़ इज इक्वल टू इम्पोर्टेड स्टोन की होनी चाहिए ताकि कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसमें मैक्सिमम इंडियन स्टोन लगे। 2016 में मार्बल उद्योग को ओपन जनरल लाइसेंस स्कीम में शामिल किया गया था। उद्योग जगत का मानना है कि सरकार को उस नीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। पिछले 5-7 साल पहले गवर्नमेंट ने मार्बल को एक ओपन जनरल लाइसेंस स्कीम के अंदर डाल दिया था। उसका इफेक्ट राजस्थान की इंडस्ट्री पे ये हुआ कि जितनी भी यहाँ पे क्वेरीज थी उसके 50% क्वेरीज बंद हो गई हैं। मैं पूरी मार्बल इंडस्ट्री की तरफ से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आगामी बजट के अंदर इस स्कीम को वापस से रिव्यू किया जाए और पिछले 5 साल के जो फैक्चुअल डेटा है उनको लेके मार्बल को वापस एक लिमिटेशन के अंदर रखा जाए कि 8 लाख, 10 लाख या 12 लाख टन से ज़्यादा इम्पोर्टेड मार्बल इंडिया में नहीं आ पाए। ये मुद्दा भी उठाया गया है कि संगमरमर और ग्रेनाइट के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी अलग अलग है, जबकि दोनों पत्थर एक ही वर्ग से जुड़े हैं। उद्योग जगत चाहता है कि सरकार खदानों से निकलने वाले खनिजों के इस्तेमाल के लिए नीति बनाने पर विचार करे।